आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जो प्रश्नोत्तर हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, तो उनको पढ़ाएंगे। आरोह और वितान दोनों में से ही उसमें लिया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है कि भारतेंदु भारतेंदु युग है ना, तो ये कहां से है? सन 1850 से 1900। भारतेंदु युग जो है हिंदी कविता का, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ही पूछा जा सकता है, जागरण काल कहलाता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। फिर जो प्रवृत्तियां हैं, यानी इनकी जो क्या है, विशेषताएं भी हैं, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। इस युग में देशोद्धार, राष्ट्रप्रेम, अतीत, गरिमा आदि विषयों की ओर से ध्यान दिया गया और कवियों की वाणी में राष्ट्र का स्वर निनादित होने लगा। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण, प्रेम घन और लाला सीताराम आदि प्रमुख रचनाकार हुए। अब आता है कि इसकी भारतेंदु युग की प्रमुख मतलब जो विशेषताएं इसमें आप लिख सकते हैं। फिर है इसी में एक और पूछा जाता है कि छायावाद, बहुत से हैं, प्रगतिवाद, छायावाद है ना, भारतेंदु युग, तो छायावाद में क्या है? देखिए, छायावाद की भी प्रवृत्तियां यानी इसकी भी जो विशेषताएं हैं, छायावाद काल में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः तीन वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं, एक विषयगत, विचारगत और शैलीगत। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। पहला है नारी सौंदर्य प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों ने सौंदर्य स्थूल चित्रण के अपेक्षा उसमें सूक्ष्म प्रवाह का अंकन किया। प्रेम के क्षेत्र में किसी रूढ़ी मर्यादा नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते। इनके प्रेम की दूसरी विशेषता यह है, वैदिकता हिंदी पहले श्रृंगार कवियों में प्रेम वर्णन किया, किंतु प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सभी ने राधा, पद्मनी, उर्मिला, यशोधरा को माध्यम बनाया, जबकि छायावादी कवियों ने निजी प्रेमानुभूति की व्यंजना उनका प्रेम सूक्ष्म से श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों की वजह सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन किया। चौथी विशेषता की उनकी प्रणय गाथा असफलता निराशा में होगा, प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता विरह अनुभूति के वर्णन मिली। दूसरा, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना। प्रकृति के सौंदर्य प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की श्रृंगारिकता का दूसरा रूप है। वे प्रकृति, नारी, प्रेसी दोनों की छवि सौंदर्य देखते हैं। पत्तों और फूलों, मरमर भ्रमरों की गुनगुन में उन्हें पायल की झंकार या मधुर आलाप सुनाई देता। उन्होंने प्रकृति को सचेतन मानकर उसका मानवीकरण और नारीकरण किया है। फिर है अलौकिक प्रेम या रहस्य प्रेम। पथिक और आंसू में प्रसाद जी ने सबसे पहले अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी। रहस्यवाद में पहले वियोग फिर संयोग होता है और छायावाद में इसके मतलब क्या है, विपरीत है। चलिए इसके बाद है, यहाँ से कुछ अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जो प्रश्न है वहां पढ़ेंगे। हिंदी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का आशय है कि समय परिवर्तन है, वह कभी भी किसी प्रतीक्षा नहीं करता, सदैव गतिमान रहता है। जो समय के साथ तालमेल मिलाते अपने अभिष्ट की प्राप्ति में निरंतर रत रहते हैं, उन्हें मंजिल निश्चित रूप से मिलती, किंतु जो समय के महत्व से अनजान प्रमाद में डूबे रहते हैं, उन्हें अंत में निराशा मिलती। कहा गया है कि समय को उसी प्रकार खर्चो जिस प्रकार आप अपना धन अत्यंत चतुराई से खर्च करते। कविता में दिन जल्दी ढलता पंक्ति में कई बार आई है और इसे कविता में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है। साथ ही इस पंक्ति की कविता में बारंबार आवृत्ति से कविता में गीत आ गई है और इस कारण यह गीत अधिक मधुर बन पड़ता है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो विरोधा उत्तर देखिए, विरोधाभास अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति का आशय है कि जहां एक ओर कवि जब अपने गीतों एवं रचनाओं का स्वसर पा करता है तो उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती, किंतु वास्तविकता कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा रहता है। इस प्रेमा मतलब रहित स्वार्थी संसार को अस्वीकार करते विरोध अग्नि से भर उठता है और ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेटे रहती है। अब है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी घोंसले से निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल माता पिता के वात्सल्य से वंचित बच्चे अपने अभिभावक के जल्दी से जल्दी घर लौटने की प्रतीक्षा में आकुल रहे होंगे। वे यह आशा कर रहे होंगे कि वापस लौटने पर उनके माता पिता सिर्फ उन्हें भोजन नहीं देंगे अपितु ढेर सारा स्नेह भी लुटाएंगे। इस प्रकार कहा जाता है कि माता पिता के सानिध्य की प्रत्याशा में बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। फिर भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकार भावों के अनुरूप
सरल सहज एवं सुग्राह शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक आडंबर पूर्ण गूढ़ शब्दावली कथ्य के प्रभावों को कम करती है। इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। कवि का कहना चाहता है कि किसी भी रचनाकार द्वारा सीधी बात सरल शब्दों में लिखनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी उसके अर्थ को सरलता से समझ सके। क्लिष्ट भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों में अपनी भाषा अपने श्रोताओं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। चलिए फिर है उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है, तो यहाँ देखिए उत्तर है कविता का उड़ने से गहरा संबंध है। चिड़िया सहित सभी पंछी अपने परों के सहारे ऊंची उड़ाने भरते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंच जाते हैं। कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं ऊंची और कहीं व्यापक होती है। कवि अपनी कविता में कल्पना की उड़ान से अत्यंत अनंत तक की यात्रा करता है। चिड़ियों को तो कभी ना कभी थक कर वापस धरती पर लौटना होता है, जबकि कविता की उड़ान चिरस्थायी होती है। यह वह तो आने वाली कई पीढ़ियों तक अपना जो प्रभाव है वह छोड़ती हुई है। कहा भी गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उड़ने के साथ साथ कविता का खिलने से भी गहरा नाता है। जिस प्रकार कोई पुष्प खिलकर अपनी आभा से न सिर्फ देखने वालों का आनंद करता अपितु अपनी सुगंध को भी चारों दिशाओं में फैलाता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी प्रसन्नता, हर्ष, किलकिलाहट इत्यादि अनिवार्य गुण पाए जाते हैं। वह भी फूल की तरह रसिक श्रोताओं को आनंद अनुभव कराती। वास्तव में फूल तो कुछ दिनों में मुरझाकर अपनी सुगंध को देता है, किंतु कविता के खिलने से उत्पन्न संस्कारों की सुगंध सनातन रहती। इस प्रकार कह सकते हैं कविता में उड़ने और खिलने जैसे शाश्वत गुण विद्यमान होते हैं। बाजार का जादू चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बाजार के सुंदर रूप का जादू जब चढ़ने लगता है तो मनुष्य व्यर्थ की फैंसी चीजें खरीदने लगता है, उसकी इच्छाएं जागती है, उसे अपनी वस्तुओं का अभाव अनुभव होता है, वह अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, फलस्वरूप असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या जगाती है, जिससे मनुष्य बेकार हो जाता है। थोड़ी सी देर के स्वाभिमान को सेंक मिलता है, अभिमान की गिल्टी खुराक मिलती, परंतु बाजार के रूप का जादू उतरने लगता है तो पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुलता आराम में मदद ना करके खलल डालती है, पैसे की बर्बादी का अनुभव होने लगता है। संयमी व्यक्ति अपने पैसे की पावर को कैसे दिखाते हैं, तो संयमी व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, उनका मन खाली नहीं होता, अतः वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती। बाजार के आकर्षण में कभी नहीं फंसते, वे अपना पैसा सामाजिक विकास के कार्यों में लगाते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं और खुद के पास पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा पूरा रहता है, भरा और फूला रहता है। लेखक ज्ञान कुमार बाजार का जादू किसे कहा है, इसका क्या प्रभाव है, बाजार की चमक धमक के चुंबकीय आकर्षण को बाजार का जादू कहा या जादू आंखों की राह पर काम करता है। बाजार के आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने को विवश हो जाता है, जिससे इससे मोहजाल में फंसकर वह गैर जरूरी वस्तुओं पर अपनी खरीदारी शक्ति दिखाता है। जब जेब भरी हो तो मन खाली हो तो वह जादू खूब चलता है। ऊंचे बाजार के आमंत्रण को मुंह क्यों कहा गया है, ऊंचे बाजार का उत्तर, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुंह होता है क्योंकि वह मन में इच्छा जगाता है, चाह जगती है, चाह मतलब अभाव। बाजार में खड़े होकर उसे ऐसा लगता है कि उसके पास काफी नहीं है और उसे चाहिए, वह यहाँ अपरिमित है, उस सबको पाने के लिए विकल हो जाता है। मुंह का आमंत्रण मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को बेकार बना देता है। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है इस प्रकार से, और या मतलब यशोधर बाबू के विचार पुराने हैं या यशोधर बाबू एक तरह का द्वंद है या यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है, तो इस प्रकार ये जो प्रश्न दिए गए हैं का खा गा, तो उसमें किस प्रकार का मतलब आपको उसको उत्तर देना है। देखिए यशोधर बाबू के बारे में हमारी धारणा बनती है कि उनमें सिद्धांत और व्यवहार को लेकर एक द्वंद चल रहा है, जिसके कारण उन्हें कभी कभी अपनी ओर खींचता, पुराना उन्हें छोड़ता नहीं, इसलिए हमारी सहानुभूति के पात्र। कार्यालय में सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए 30 रुपए देते हैं परंतु शामिल नहीं होते। पत्नी के आधुनिक बनने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं, परंतु वे चाहते कि उन्हें सिद्धांतों के पालन में कोई टोके ना। वे डेमोक्रेट बाबू हैं, दुराग्रह नहीं करते, बच्चे उनकी बात को पत्थर की लकीर माने, बस समाज का सम्मानित बुजुर्ग मानकर सम्मान करें तथा सलाहें। जब घर में फ्रिज, गैस, सोफा, कारपेट आता है तो अच्छा लगता है, परंतु गैस की सिकी रोटी, फ्रिज का खाना बासी लगता है। बच्चे सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी करते हैं तो वह अपने आप को किसी कोने में आधुनिक मानते हुए खुश होते हैं, परंतु यह सब सब आडंबर लगता है, वह अपने को उपेक्षित मानते हैं। बच्चों को उन्हें उपहार दिए पर वह नहीं कहा कि दूध वे ला देंगे। ऐसी स्थिति में जब पंत जी सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं तो उन्हें पुराने संस्कार उनके पुराने संस्कार उन्हें छोड़ते नहीं है।
यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं देखिए। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक है, पूरी तरीके से अतीत परंपरा विश्वास रखते हैं। उनके निम्नलिखित विशेषताएं, पहला असंतुष्ट पिता, उनके चारों बच्चे पढ़ लिखकर उच्च पदों पर हैं या पद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन शानदार पार्टी करते हैं, पिता को उपहार देते, फिर भी खुश नहीं होते। वे चाहते कि बच्चे सब काम पूछ कर करें। उपहार में दिए गए ड्रेसिंग गाउन के बारे में उनका बेटा कहता है कि वैसे पहनकर वह दूध लाए, परंतु यशोधर पंत सोचते कि इसके बजाय बेटा कहता कि दूध वह ला देगा। इस प्रकार वह अपने मन में असंतोष अनुभव करते। दूसरा परंपरावादी विचार, यशोधर पंत के विचार पूर्ण रूप से परंपरावादी हैं। उन्हें पत्नी बेटी के कपड़े पहनने श्रृंगार करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी प्रकार भूषण के द्वारा लाया गया कारपेट, गैस, फ्रिज, सोफा उन्हें पसंद नहीं। स्कूटर को निहायत बेहूदी सवारी मानते हैं, परंपरागत उत्सव मनाना पसंद करते हैं। फिर है पारिवारिक जीवन शैली, यशोधर बाबू परिवार के साथ रहना, पारिवारिक सदस्यों को जोड़कर चलना चाहते हैं। विवाह के बाद उन्होंने अपने ताऊजी के परिवार को साथ रखा। जीजा जनार्दन के बीमार होने पर उन्हें देखने कर्जा मतलब लेकर के अहमदाबाद जाते हैं, और उन्होंने कहा भी कि समस्त संयुक्त परिवार बिखर गया है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास रेखा के मन में कैसे पैदा हुआ? तो इस प्रकार चंदेलकर मास्टर जी मराठी पढ़ाते थे, वे कविता को सुरीली आवाज, छंद की बढ़िया चाल, रसिकता के साथ सुनाते थे। लेकर उनसे प्रभावित होने के कारण उनकी कविताओं को खेत पर अकेला अभिनय के साथ दोहराता था। इससे पहले कि वह कवि को किसी दूसरे लोक का प्राणी मानता था, सौंदिलगेकर ने लेखक को कई काव्य संग्रह पढ़ने को दिए, और उनकी कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि को लेखक को आदमी ही लगने लगे थे। मास्टर साहब स्वयं भी कवि थे, इसलिए लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को लगा कि वह कविता कर सकता है। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी थी। लेखक को लगा उसके आसपास अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार लेखक के मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी क्यों, और यह नाम किसने क्यों दिया? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था। यह समृद्धि सूचक नाम उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था, और भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी, जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र बनना नहीं चाहती थी, और शायद व्यवहारिक जीवन और नाम का मेल ना मिलने के कारण वास्तविक नाम को गुप्त रखती थी। ईमानदारी का परिचय देने के लिए लेखक को बता दिया था, परंतु उसने लेखक से किसी और को ना बताने की प्रार्थना की। लेखक उसे किस नाम से पुकारे, इस समस्या को हल करने के लिए लेखक ने लक्ष्मी की कंठी माला और गुट्टी चांद व सफेद वस्त्र देखकर उसे भक्तिन जैसा कवित्वहीन नाम दे दिया। भक्तिन अपने ससुराल के गांव व घर छोड़कर शहर क्यों गई? भक्तिन के जठौत का तीतरबाज व नालायक साला पंचायत के अपीलहीन फैसले के कारण भक्तिन का बिन ब्याह दामाद और विधवा बेटी का अस्वीकृत पति बना। वह अन्य निश्चिंत होकर तीतर उड़ाता, बेटी विवश होकर क्रोध से जलती रहती। भक्तिन ने अपनी मेहनत से जिस संपत्ति को संभालकर सोना बनाया, वह पारिवारिक द्वेष से झुलस गई और लगान चुकाना भी कठिन हो गया। दुखों के अपने पसार मतलब दुखों ने उसके पैर मतलब जो है पैर पसार लिए थे। जमींदार का लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को बुलाकर पूरे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान भक्तिन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक था। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से गांव को छोड़कर कहाँ चली गई, शहर आ पहुंची। रस की परिभाषा, काव्यार्थ स्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के भेद, रस के कुल 10 भेद, हास्य रस, करुण, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, शांत, अद्भुत, वात्सल्य, भीभत्स और वीर रस। फिर है संस्कृत के किस आचार्य की काव्य की परिभाषा अधिक मान्य है? संस्कृत के कई आचार्यों ने काव्य की परिभाषा दी है। किसी ने शब्द अर्थ को, किसी ने अलंकार को, तो किसी ने ध्वनि को महत्व दिया, किंतु आचार्य पंडित विश्वनाथ द्वारा दी गई वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा अधिकांशतः मान्य है। काव्य की परिभाषा देते उसके भेद, भारतीय आचार्यों ने काव्य 2 प्रकार के माने, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। जिस काव्य की आनंदानुभूति पढ़ने या सुनने से होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी आदि।
दृश्य काव्य, काव्य की अनुभूति अभिनय आदि को देखकर होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। इस प्रकार मैंने आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को समझाया पढ़ाया। आप लोग इसको परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।